हेलो फ्रेंड्स, मैं संस्था एसोसिएट से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने अपने स्टूडेंट को प्रॉमिस किया था कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपकी ज़िंदगी में लाऊंगा, ये आप इस मेरे वीडियो को समझ लेंगे तो इतना आपकी समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन किस धुरी पर चलने वाला है। वो हाउसेज निकाल दूंगा, वो हाउसेज आपके सामने रख दूंगा जो आपकी ज़िंदगी की पूरी रूपरेखा है, जिनके बाहर आपकी ज़िंदगी नहीं होगी। तो दोस्तों, वही प्रेजेंटेशन लाया हूँ। तो मेरी इस प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपके सामने लाने वाला। एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने मैं रखूँगा। तो दोस्तों, उनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसके लिए मैं केस स्टडी भी लाया हूँ। केस स्टडी किसी और की नहीं, मेरी खुद की है। तो दोस्तों, एक केपी कृष्णमूर्ति जी ने हमें एक फॉर्चून पॉइंट बताया था, उसके कैलकुलेशन का मेथड बताया था, और आपकी जिंदगी का फॉर्चून कहाँ छुपा हुआ है उन्होंने उस में यह बताने की कोशिश की थी। तो उसकी मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने लाया हूँ, फॉर्चून पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम एसेंडेंट की डिग्री लेंगे। एसेंडेंट की डिग्री है 2.09। यहां मैंने 32.09 इसलिए लिखा है कि जब जोड़िया की डिग्री कैलकुलेट करते हैं वो 30 से शुरू होती है, एरी से शुरू होती है, यानी उतने घर चल चुका है। अब इस चूंकि सेकंड हाउस में हमारा एसेंडेंट आ रहा है 2.09 का, तो ये 32.09 लिखी है मैंने। इसमें फॉर्चून पॉइंट निकालने के लिए हम मून की डिग्री ऐड करते हैं। मून की डिग्री हम ऐड करते हैं, वो 230 है, क्योंकि मून हमारा एर्थ राशि में पड़ रहा है। 30 × 7 = 210 डिग्री हम यहां पर चल चुके थे पहले से ही, और 20 डिग्री पे चंद्रमा यहां चल चुका है, तो इसको ऐड कर लो तो 262 होता है। इसमें से सूर्य की डिग्री निकाल देंगे तो हमें वो घर मिलेगा जहां हमारा फॉर्चून छुपा है। तो दोस्तों, हमने इसमें सूर्य की डिग्री माइनस की तो 157.83 आया। अब वो हाउस और वो नक्षत्र हमारे सामने आ जाएगा जो हमारे जीवन की रूपरेखा, वो घर भी पूरा सामने आ जाएगा जहां पे हमारी जिंदगी की रूपरेखा छुपी है सारी। तो दोस्तों, ये 157 को हम 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 500 राशि हम चल चुके हैं। छठी राशि का हम 7.83, यानी यहां से शुरू करेंगे 30 30 30 30 30, 150 क्लियर हो चुकी है, 150 डिग्री, यानी इस घर में पंचम भाव में पांचवें घर में कौन सा नक्षत्र आया? ये सूर्य का नक्षत्र आया। तो सूर्य का नक्षत्र पड़ा और विर्गो राशि पड़ी और पांचवा घर पड़ा हमारा, जो हमारे जोड़िया का मतलब इस हॉरोस्कोप का फिफ्थ हाउस कृतिका नक्षत्र। इस बात को याद कीजिए जो मैं बोल रहा हूं, कृतिका नक्षत्र वर्गो साइन हमारा भाग्य बिंदु है। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, इससे पहले इसके साथ साथ मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड का काम करता था। स्टार्टिंग मैंने मीडिया एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से शुरू की थी। ये सारे काम मैंने इसी घर से संबंधित शुरू किए। क्या ब्यूटी है आप देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति से कि इंसान की जिंदगी किस धारा में बहने वाली है वो हम कितनी इजीली समझ सकते हैं। अब इससे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने लाता हूं, भृगु ऋषि का। भृगु ऋषि ने एक भृगु बिंदु दिया है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द रहती है। तो दोस्तों, वो भृगु बिंदु कहां से शुरू होता है? जहां राहु का नक्षत्र पड़ा हो और जहां पर चंद्रमा खत्म हो रहा हो, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों हमारे पिछले लास्ट लाइफ की अनफिनिश्ड एजेंडा होते हैं, ये भृगु ऋषि का मानना था। इन दोनों के बीच की जितनी राशियां क्रॉस कर चुकी हैं, जो सेंट्रल मीन पॉइंट बनेगा वो हमारा भृगु बिंदु बनेगा। तो दोस्तों, यहां मैंने अप्रोक्सीमेटली मान लिया 02 है, तो 3 डिग्री राहु यहां बचा था इस घर में। 30 30 30 30, 123 और 20 143 बिंदु हमारे बीच में आते हैं, 143 डिग्री, इनके बीच में हमारा वो पॉइंट आना है जो हमारी जिंदगी को बताएगा कि हमारी जिंदगी कहां घूमने वाली है। दोस्तों, 143 को 2 से डिवाइड किया, 71.55 डिग्री आता है। तो दोस्तों, 3 डिग्री यहां से कई कई हम चल चुके थे, 30 30 60 60 डिग्री हो गए, 3 यहां पे हम चल रहे, 63 डिग्री तो यहां खत्म हो गई। अब हमने 63 में से मतलब इसमें से 63 डिग्री घटाओगे, ये 8.5 डिग्री, यानी अगेन वही सूर्य का नक्षत्र आ रहा है, अगेन वही घर आ रहा है पांचवा।
क्या जबरदस्त है। प्लेनेट कौन से आते हैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य प्लेनेट आए। सूर्य कहाँ है हमारा, फोर्थ लॉर्ड होके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, हाउस ऑफ एफर्ट्स में। अब ये मरकरी कहाँ है, मरकरी हमारे फोर्थ हाउस में चला गया। तो फोर्थ हाउस किसका है, कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस स्टडी का है, ज्ञान का। केपी में तो इसको फोर्थ हाउस को बहुत जबरदस्त ज्ञान का घर बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान से जिंदगी भर जुड़ने वाला है। और सूर्य चूंकि आया है लॉर्ड बन के यहां पर, तो एफर्ट्स में गया, तो ऐसे व्यक्ति के एफर्ट्स पंचम घर से संबंधित भी हो गए। अब कस्पल चार्ट देखोगे तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यहां मरकरी नहीं सूर्य बनता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी से तो जुड़ ही रहा है, कस्पल सब लॉर्ड में सूर्य फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई भी कर रहा है। एक और बात बताता हूं, नवांश में टेंथ लॉर्ड शनि 6 नंबर में चला गया। हालांकि उस नवांश में तो नवे घर में है, पर उसी को हम जब D1 में प्लेस करते हैं 6 नंबर राशि को, यानी 10th हाउस का भी 5th हाउस से, यानी एस्ट्रोलॉजी के घर से बहुत तगड़ा संबंध है। तो दोस्तों ये देखो, दो अलग अलग प्रेजेंटेशन थी, दोनों अलग अलग तरीके से हमने कैलकुलेट किया, लेकिन घर निकल के 5th हाउस आता है, 4th हाउस आता है और 3rd हाउस आता है। अब एक और बात इसमें जोड़ता हूं, जो हमारा लगन का सब लॉर्ड है केपी के हिसाब से, उसका नक्षत्र लॉर्ड बताता है हमारी जिंदगी कहां घूमेगी। तो लगन का सब लॉर्ड इसमें जुपिटर है, जुपिटर रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ मरकरी के, वो भी 4th हाउस में है। अगेन आप स्टोरी को घुमाओगे तो 1st हाउस का यानी जिंदगी की रूपरेखा का हमारा बहुत बड़ा हिस्सा इस मरकरी से जुड़ा हुआ है। अब ये मरकरी किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, केतु के, अकल्ट वर्ल्ड के 8वें घर में केतु उच्च का बैठा हुआ अकल्ट वर्ल्ड में। यही केतु कस्पल चार्ड में 9th हाउस का उच्च का होकर प्रेजेंट है। जब 4-9 का कनेक्शन बनता है तो व्यक्ति हायर स्टडीज में जरूर जाता है, और बहुत ज्यादा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से जाता है, क्योंकि और केतु सिग्निफाई कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का रिसर्च का दिमाग होगा, अकल्ट वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ दिमाग होगा, और बेहतरीन होगा पढ़ाई में, क्योंकि केतु ऊंच का हो रहा है, और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी से भी जुड़ेगा। तो दोस्तों एक बहुत छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, इसी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूं। जब यही अब इस कुंडली को हम डिकोड करें सिंपल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लगन का लॉर्ड 3rd हाउस में, हाउस ऑफ एफर्ट्स में, फिर 3rd हाउस की भूमिका आ रही है कहीं ना कहीं, लगन का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य बनता है वो भी 3rd हाउस में, तो पूरी जिंदगी की जो रूपरेखा है 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस के बीच में कहीं फंसी हुई। ठीक है दोस्तों, और छोटा सा कोई पॉइंट रह गया तो मैं वो भी क्लियर करता हूं। ये जो भृगु बिंदु और फॉर्चून पॉइंट हमारे किस किस घर में जाते हैं, तो क्या क्या किस किस चीज से जोड़ेंगे वो भी बताता हूं। अगर ये लगन से जोड़ेंगे तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ पर्सनैलिटी होगा, अपने आप पे बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर रहने वाला इंसान होगा। यही भृगु बिंदु या फॉर्चून पॉइंट हमारा सेकंड हाउस से होगा ना एसोसिएटेड, अगर सेकंड हाउस में पड़ रहा होगा, ऐसा व्यक्ति धन का, फैमिली का और अपने फेस के प्रति उसका रुझान बहुत ज्यादा होगा। ये 3rd हाउस में पड़ेगा भृगु बिंदु और आपका फॉर्चून पॉइंट, तो ये हमारे सेल्फ एफर्ट्स को दिखाता है, कहीं ना कहीं सेल्फ एफर्ट्स से, सिबलिंग से, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से हम जुड़ सकते हैं। यही 4th हाउस में जाएगा तो ये सुख से, प्रॉपर्टी से और मां से जोड़ने को दिखा रहा है। 5th हाउस में रहेगा उसका, मैं पहले बता चुका हूं, ऐसा व्यक्ति कला से, क्रिएटिविटी से बहुत जुड़ेगा 5th हाउस में। क्रिएटिविटी भी यहां पे बहुत बड़ी एक रोल अदा करती है, क्योंकि यहां पे मार्स की पहले से ही प्रेजेंस है, तो आपके एक्शन भी 5th हाउस में चले गए, 5th हाउस का रोल बहुत ही लार्ज हो गया, बड़ा हो गया। 6th हाउस में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति डेली रूटीन बड़े सिस्टमेटिक होंगे, और ऐसा व्यक्ति अपनी जॉब में बहुत अद्भुत क्षमता रखेगा, जॉब अपने जॉब के प्रति बहुत ही सीरियस होगा। 6th हाउस आपका कहीं ना कहीं प्रतियोगिता की स्प्रिट भी आपकी दिखाता है। 7th में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जीवन संगिनी के साथ अटैच होगा, क्योंकि 7वें घर में पहुंच गया फॉर्चून पॉइंट आपका, भृगु बिंदु पहुंच, या फिर ज्वाइंट वेंचर्स को दिखाता है, आप बिजनेस के आउटलेट भी खोल सकते हो, अपने व्यापार को भी दिखाता है आपके। 8th में जाओगे चला गया तो पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। 8th हाउस इंश्योरेंस इनकम को भी दिखाता है, 8th हाउस आपके सीक्रेटिव कर्मों को भी दिखाता है, ऐसे व्यक्ति रॉ से भी अटैच हो सकता है। 9th हाउस में होगा तो धर्म से, पिता से जोड़ देगा आपको, दूर दराज की यात्राओं से जोड़ेगा। 10th हाउस में चला गया तो मान सम्मान, बहुत बड़ा मान सम्मान दिलाएगा, अगर ये दोनों की कनेक्शन 10th हाउस से है
बहुत बड़ा मान सम्मान, जरूरी नहीं है दोनों का एक ही घर से हो, अलग अलग घरों से भी हो सकता है, चांस की बात है। मेरा दिया के तो कि मेरी लाइफ की पूरी जिंदगी इसी घर में घूमी है, तो मेरा सब सारे एक्शन किसी के व्यक्ति के डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में भी हो सकता है। अचानक व्यक्ति कुछ कार्य ए क्षेत्र में कर रहा है, बिल्कुल अलग ऑल टुगेदर डिफरेंट क्षेत्र में चला जाता है, तो वहां भृगु बिंदु और फॉर्चुना पॉइंट अलग भी हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ क्योंकि चूंकि इस केस स्टडी में एक जगह आया था तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं। भृगु बिंदु और फॉर्चुना पॉइंट 11th हाउस में आ गया आपका, अपने बड़ा भाई दोस्तों के प्रति और पैसा डे टू डे इनकम के प्रति बहुत बहुत ईजिली आप पैसा कमा लोगे, क्योंकि आपका फॉर्चून पॉइंट 11th हाउस में। 12th हाउस है विदेश का, मोक्ष का, हॉस्पिटल का भी है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में कर्मचारी भी हो सकता है, मल्टीनेशनल को भी दिखाता है और मोक्ष को भी दिखाता है। तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं न्यूमरोलॉजी के, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, केपी के और भृगु नंदी नाड़ी के कोर्सेज भी कराता हूं, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो प्लीज 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 मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर पे इसमें अपने यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। थैंक्स फ्रेंड।